नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में चुनाव है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक होकर आ जाते हैं बिहार में। इस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और हम उनके साथ बैठकर उनके सामने तमाम सवाल रखेंगे। पहला सवाल तो राजनाथ जी, मैं बिहार से ही जोड़कर आपसे पूछूंगी। आमतौर पर जब से 2014 खासकर हमने देखा है, लहर की बात हो जाती है, हवा की बात हो जाती है, इस बार क्या वो आपको अपने पक्ष में नजर आ रही है यहाँ या विरोध में? नहीं, इस समय जो चुनावी लहर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए इसके साथ है। आपको नहीं लग रहा है कि 15 साल मुझे अब तक जो हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, सार्वजनिक सभाओं में जनता का मुख देखने के बाद मैं ही नहीं, कोई भी स्वाभाविक रूप से एक नतीजे पर पहुंच सकता है कि एनडीए को वहां पर क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल हो सकती है। आपको ये विश्वास है कि 15 साल में 15 साल का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, जब उसकी तुलना लोग पिछले 15 साल से करते हैं जिस तरह श्री लालू यादव मुख्यमंत्री थे वहां के, तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर लोग पहुंचते हैं कि सचमुच 15 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया है बिहार के विकास के लिए, चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का हो, पानी का हो, पुल हो, पुलिया हो, मेडिकल कॉलेजेस बनाने का प्रश्न हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाने का प्रश्न हो, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पहले के कंपैरिजन में बेहद इम्प्रूवमेंट वहां पर हुआ है। और विशेष रूप से जो 2014 के बाद देखा जाए तो बिहार के विकास में काफ़ी तेजी आई है। उसके पहले का जो कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा, चाहते हुए भी जितना वह विकास करना चाहते थे नहीं कर पाए। कारण यह था केंद्र में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट को जितना सहयोग बिहार की सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार थी, वह सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 2014 में मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट केंद्र में बनने के बाद मोदी जी ने किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया, भले ही वहां पर गैर एनडीए सरकार क्यों न रही हो। जितना अधिकतम सहायता उस राज्य के विकास के लिए मुहैया कराई जा सकती है वह सहायता उन्होंने मुहैया कराई है और उसका परिणाम बिहार में प्रत्यक्ष रूप से अब देखने को मिल रहा है, जनता उसे स्वीकार करती है। राजनाथ जी, इसमें दो चीजें मैं कहूंगी। एक तो तेजस्वी यादव ने उस 15 साल के लिए उन्होंने एक तरह से माफी मांग ली थी, उनके पोस्टर्स से वो सारी तस्वीरें गायब हो गई हैं जो उन 15 सालों की याद दिला सकती हैं। दूसरी चीज, वो तो प्रधानमंत्री से ये पूछते हैं कि जो स्पेशल पैकेज की बात थी वो आज तक क्यों नहीं दिया गया। स्पेशल पैकेज का ऐसा कोई कमिटमेंट स्पेशल पैकेज का था नहीं। स्पेशल पैकेज के वादे तो कोई भी राजनीतिक पार्टी कर लेगी, लेकिन स्पेशल पैकेज में कितना मिला है अब तक राज्यों को, मैं समझता हूँ उसको आंकड़े उठाकर कोई देखेगा तो स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। स्पेशल पैकेज की बात तो जम्मू कश्मीर के लिए भी की जाती थी। जम्मू कश्मीर का कितना विकास हुआ है, वहां पर तो गैर एनडीए सरकारें बराबर रही हैं और लंबे समय तक कांग्रेस लीडरशिप की लेड गवर्नमेंट वहां पर रही है, कितना विकास हुआ है। लेकिन स्पेशल पैकेज का एक लुभावना नारा देकर हम लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहते थे, बल्कि राज्य के विकास के लिए जितना संभव हो सकता था अधिक से अधिक सहयोग वो हमारी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार को दिया है। रोजगार का नारा जो दिया जा रहा है, क्या वो लुभावना है? क्योंकि तेजस्वी ने कहा 10 लाख, बीजेपी ने कहा 19 लाख। हम उस सारे रोजगार के अवसर सृजित करेंगे और लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। आजादी जब से हासिल हुई है तब से लेकर देखा जाए आगे तक का इतिहास, तो नेताओं ने इस देश की जनता को जितने आश्वासन दिए हैं, यदि आंशिक रूप से उन आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो भारत आज के 15-20 वर्षों पहले ही एक धनवान देश बन गया होता, एक ताकतवर देश बन गया होता। लेकिन वादों को पूरा न करने के कारण, कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है और इस विश्वास के संकट को
किसी पार्टी ने अथवा किसी अलायंस ने यदि उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया है तो बीजेपी लेड एनडीए ने स्वीकार किया है। पर आज बिहार की स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि 46.4% बेरोजगारी और इस पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं? नहीं, उसके पहले बेरोजगारी का कितना बड़ा संकट था 15 वर्षों तक, लेकिन किसी न किसी हद तक बेरोजगारी के संकट से बिहार को निजात दिलाने के लिए नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट ने काम किया है, लेकिन बहुत और कुछ करने की जरूरत है। और ये इस बार अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो होगी वह इस बेरोजगारी की समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करेगी। तो आप इस बात को मानेंगे, उसी बात को, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कि डबल इंजन की सरकार सही मायने में 3.5 साल ही रही है? बिल्कुल ठीक, सही कहा उन्होंने। इसी बात के आधार पर होगा क्योंकि इतनी बेरोजगारी और बहुत बेरोजगारी है। किसी भी बेरोजगारी की बात तो छोड़ो, आप सबसे बड़ी बात यह रही है कि कोई वहां पर कायदे के स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे होने चाहिए थे ताकि बिहार के बच्चे अपने राज्य की इन सब सारी शिक्षण संस्थाओं में अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकें। यह अवसर भी उनको उपलब्ध नहीं था। तो सर, इतने सालों में तो प्रतिभा पलायन बिहार से तेजी के साथ हुआ है। इतने सालों में तो सिर्फ एक छोटा सा दायरा रहा है ना, जब आपका शासन नहीं रहा है वहां पर, उससे पहले तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ही थी। बीजेपी थी वहां पर, वही मैंने कहा ना, उस समय जो इसके पहले का जो 2014 के पहले का जो कार्यकाल था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार का, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट थी और बराबर जो है गैर कांग्रेस जो सरकारें जिन राज्यों में रही हैं उनके साथ कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट ने बराबर भेदभाव किया है, उनके साथ इंसाफ नहीं किया है। लेकिन हमारी सरकार की सोच उनसे भिन्न है, हम इस आधार पर राज्यों को सहयोग नहीं देते हैं कि वहां पर अपनी सरकार है अथवा हमारी गैर बीजेपी अथवा गैर एनडीए गवर्नमेंट है, इस आधार पर नहीं करते। जहां जितनी आवश्यकता होती है सहयोग की, उतनी आवश्यकता उस राज्य को हम करते हैं। आपको एक राज्य चलाने का भी अनुभव है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों राज्य अपने, कमोवेश एक सी परिस्थितियां आप कह सकते हैं, कई इलाकों में भाषाएं भी बहुत सिमिलर हैं। उदारीकरण के बाद जहां से दोनों राज्यों ने अपनी शुरुआत की, आज दोनों राज्य बिल्कुल अलग जगह क्यों दिखते हैं? आपका अपना क्या इसका विश्लेषण है, क्यों बिहार की समस्याएं ऐसी हैं? देखिए, बिहार में उत्तर प्रदेश के कंपेरिजन में पहले से भी बेरोजगारी का संकट गहरा था, इसे मैं मानता हूं। बिहार में जो रिसोर्सेज जो होने चाहिए रोजगार सृजित करने के लिए, उत्तर प्रदेश के कंपैरिजन में कुछ कमी पहले से भी रही है, इसे मैं मानता हूं। उस कारण भी यह संकट जो है गहरा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार काफी समय तक रही है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट के बारे में बराबर चिंता की है, जिस कारण यह अंतर साफ तौर पर यह दिख रहा है। बिहार के कंपैरिजन में शिक्षण संस्थाएं भी उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक थे, कई सारे विश्वविद्यालय भी वहां पर थे, कई मेडिकल कॉलेजेज वगैरह भी थे। अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का लखनऊ का जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से बोलते थे, वहां से निकले हुए डॉक्टर आज आपको दिल्ली के एम्स में भी बड़ी संख्या में मिलेंगे। और केवल दिल्ली के एम्स में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं इस हमारे देश के, वहां पर भी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के बौद्धिक संपदा के हिसाब से अगर हम बिहार को देख लें तो आईएएस अफसर अधिकारी तो आपको हर दूसरा दिख जाता है। लेकिन आईएएस अधिकारी जो भी बनते हैं तो वहां की बिहार की शिक्षण संस्थाओं में पढ़कर वो नहीं बनते, उनको जाकर दूसरे राज्य की शिक्षण संस्थाओं में पढ़ना पड़ता है, दूसरे राज्य के विश्वविद्यालय में पढ़ना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिसको हम प्रतिभा पलायन कहेंगे ना, आज लोगों को रोजगार तलाश करने के लिए देश के दूसरे राज्यों में मजबूर होकर जाना पड़ता है। और मैं समझता हूं सर्वाधिक लोग देश के दूसरे राज्यों में आज जो रोजगार कर रहे हैं अथवा रोजगार की तलाश में निकले हुए बिहार के लोग हैं। और जिसने भी वहां पर सरकार चलाई है उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो ब्रेन ड्रेन है वो आज की समस्या नहीं है वहां पर, प्रधानमंत्री ने कहा 3.5 साल से ही मैं ठीक से काम कर पाया हूं नीतीश कुमार के। बिल्कुल, कितना समय और कि बिहार की ये जो मूल समस्याएं हैं, क्योंकि अगर वो टैलेंट, वो प्रतिभाएं यहीं रह जाएं, अगर यहीं पर वो अवसर मिल जाएं,
तो लोग तो चाहेंगे अपनी जड़ों के पास रहना। बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। कितना समय चाहिए होगा ऐसी ये परिवर्तन? समय तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन 3.5-4 वर्ष के अंदर जो कुछ भी काम हुआ है उसका ये एहसास तो बिहार की जनता को हो रहा है ना। ये 3.5-4 वर्षों में जहां पर कोई शायद 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में रहे होंगे, आज हर जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, हर जनपद में पॉलिटेक्निक खुल गए, 11-12 मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, एम्स खुल गए। यदि 3.5 वर्ष में इतना डेवलपमेंट हो सकता है, इतने सारे काम हो सकते हैं, तो 5-7 साल का समय यदि और मिल जाए हमारी यदि गवर्नमेंट को बिहार में सरकार चलाने का, तो स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। आप जिन क्षेत्रों में अब चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, चूंकि अंतिम जो चरण है उसमें उत्तर बिहार का हिस्सा हो जाता है और यहाँ पर बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, आपको लग रहा है लोगों से कुछ सवालों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस संकट को समझा था, इसीलिए नदियों को जोड़ने का सिलसिला उसी समय से जो है प्रारंभ हुआ था, और इसकी आवश्यकता है। बाढ़ के संकट से भी निजात दिलाई जा सकती है। एक उसके लिए कंप्रिहेंसिव एक प्लानिंग की आवश्यकता है कि कैसे यह निजात दिलाई जा सके, और जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो बाढ़ के संकट से भी बिहार की जनता को निजात मिल सके, इसके लिए भी जो भी आवश्यक कदम होगा वो आवश्यक कदम उठाएंगे। नेपाल से लगती हुई सीमा भी है, रोटी बेटी का रिश्ता हमेशा हम कहते हैं, अभी हाल के दिनों में जो दिक्कतें हुई हैं जिसकी वजह से उतनी आसानी से नहीं आवाजाही लोगों की हो पा रही है, ये भी आप विश्वास दिला पाएंगे लोगों को कि सुलझेगा जल्दी? नहीं, देख, नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है और नेपाल के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं, साथ ही रोटी बेटी के भी हमारे रिश्ते उसके साथ हैं। हम बराबर नेपाल के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहेंगे और नेपाल के साथ अपने रिश्तों पर किसी भी सूरत में हम सवालिया निशान नहीं लगने देंगे। हमारी पूरी यही कोशिश हो। एक रक्षा मंत्री के तौर पर मेक इन इंडिया का जो पूरा कैंपेन आपका चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में हमने देखा है किस तरीके से वो डिफेंस पार्क या AK-47 की फैक्ट्रीज अमेठी में, क्या बिहार को ऐसी चीज नहीं मिल सकती? मुंगेर जो पूरा जिला है वहां पर वो खुद उन कारखानों के लिए, तोपखानों के कारखाने के लिए जाना जाता है, कितने अवैध रास्ते पर निकल गया वो, क्या उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है? नहीं, सही रास्ते पर लाना ही पड़ेगा, तभी हम जाकर बेरोजगारी के संकट से बिहार को निजात दिला पाएंगे। वहां पर जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उन रिसोर्सेज का सही उपयोग करने की जरूरत है। ये योजना है पूरी? हाँ, तो नहीं, अब वह प्लान चेकआउट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और मैं समझता हूँ पिछले 4-4.5 वर्षों में वह प्लान चेकआउट किया होगा बिहार की गवर्नमेंट ने, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यदि उसमें कहीं पर कमी होगी तो उसको सुधार करेंगे और पूरा फुल फ्लेज्ड प्लान चेक आउट करके वहां के रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है ताकि रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें, और यह कोशिश हमारी सरकार वहां करेगी। चूंकि और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जनता की रुझान जो वहां पर NDA के प्रति बढ़ी है, और हम लोगों ने तो 2 टूक शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम सरकार वहां बनाएंगे, तो जब लोग तुलना करते हैं इसके पहले के 15 वर्ष का जो नेतृत्व रहा है और उसके बाद का 15 वर्षों का जो श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार रही है, तो लोग इस बात पर तो बहस कर सकते हैं कि नीतीश कुमार ने यह काम किया या काम नहीं किया, कुछ और अधिक काम किया है लेकिन कुछ और अधिक कर सकते थे, इस पर तो बहस हो सकती है। लेकिन बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर का भी कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार हों, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सुशील मोदी हैं, उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। कम से कम चारा तो नहीं खाया है नीतीश कुमार ने? चिराग पासवान तो उंगली उठा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप लगाने। उंगली उठाने से क्या होता है? यदि सच्चाई है, यदि सच्चाई रही होती आरोपों में, तो नीतीश कुमार जी आज बाहर होते हैं और इसके पहले जो नेतृत्व किए हैं आज वो जेल के भीतर हैं। यह हकीकत तो बिहार की जनता समझती है। आखिरी सवाल मैं वापस बिहार की तरफ आती हूँ क्योंकि प्रचार के ही रास्ते पर आप यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें, आपके विरोधी भी कुछ अंदर संकेत आ जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी आज ये सोच रही है कि नीतीश कुमार के साथ रहना सही फैसला है? क्या सचमुच में कहीं पर अंदर संशय है कि नहीं होते तो आसानी से? कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, ये हमारा वेल कंसीडर्ड सुविचारित यह फैसला है और हमने बहुत ही सोच समझकर नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनिटी गठबंधन का नेता स्वीकार किया है।
और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आखिरी सवाल में वापस बिहार की तरफ आती हूँ क्योंकि प्रचार के ही रास्ते पर आप यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत सारी